हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम दूसरे बटन की कोडिंग करेंगे और इस पे क्लिक करके हम डायलॉग बॉक्स शो करेंगे, जो कि होगा फाइल सेव डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पे मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, इसका हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, अब जैसा हमने पहले किया था, सबसे पहले हम जे फाइल चूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बना दिया जे एफ नाम का, और यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू जे फाइल चूज़र। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते हैं फंक्शन को, जिसके थ्रू हम शो कर पाएंगे सेव डायलॉग को। ठीक है, तो मैंने लिखा शो सेव डायलॉग, और इसके अंदर मैंने दिस लिखा क्योंकि इसी फ्रेम के ऊपर मुझे शो करना है। और अब हम या तो सेव पे या कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न मिलेगी, उसको मैंने ए नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। ठीक है, अब या तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा या तो कैंसिल पे क्लिक करूँगा। तो जिस पे भी क्लिक करूँगा तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिसीव होगी ए वेरिएबल के अंदर, और फिर मुझे चेक करना रहेगा मतलब मैंने सेव पे क्लिक किया है या कैंसिल पे। तो सेव पे क्लिक किया है कैसे पता चलेगा? अगर ए की वैल्यू इक्वल होगी जे फाइल चूज़र डॉट अप्रूव ऑप्शन के। ठीक है, अगर जे फाइल चूज़र डॉट अप्रूव ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू ए की भी है, मतलब आपने क्लिक किया है किस पे, सेव वाले बटन पे, तब आपको क्या वर्क करवाना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, जो फाइल मैंने सेलेक्ट की है उसका नाम मैं गेट करूँगा और लेबल पे शो कर दूँगा। तो मैंने एक एस नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा ये फाइल्स जो मैंने सेलेक्ट, जो भी फाइल मैंने सेलेक्ट की है उसका जो भी नाम है, नाम निकालने के लिए आप गेट सेलेक्टेड फाइल लिखेंगे, गेट सेलेक्टेड फाइल, फिर गेट नेम। ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैन एग्जीक्यूट, कैन राइट, गेट पाथ, गेट नेम, तो हमने गेट नेम का यूज़ किया। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं इसमें, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो फाइल सेलेक्ट की है उसका नाम मैंने डिस्प्ले करवा दिया, जे लेबल वन डॉट जे लेबल वन पे मैंने फ़ाइल का नाम डिस्प्ले करवा दिया। सेट टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कोई फॉर लूप वगैरह यूज़ नहीं किया जैसा हमने पहले यूज़ किया था, क्योंकि इस बार हमने एक ही फाइल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मल्टी फाइल सिलेक्शन इनेबल्ड हमने नहीं किया है। ठीक है, तो जो भी फाइल हमने सेलेक्ट की उसका नाम मैंने डिस्प्ले करवा दिया जे लेबल पे। तो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइल सेव पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने मल्टी फाइल सिलेक्शन को इनेबल्ड नहीं किया है। ठीक है, तो किसी एक फ़ाइल को ही मैं सिलेक्ट कर पाऊँगा। मैंने सेलेक्ट किया, सेव पे क्लिक किया, तो उस फाइल का जो नाम था वो फेच करके मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया लेबल पे। सो आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।